हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सुबह हो चुकी है, हम लोग उठ गए हैं और होटल में ही हैं। अभी रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग को होटल लेना पड़ा था। और अभी तो क्यारा और नेहा गए हैं नहाने, मतलब क्यारा को नेहा नहा रही है, और आवाज़ सुन सकते हैं, ठंड बहुत है और वो चिल्ला रही है, गर्म पानी से नहा रही है फिर भी चिल्ला रही है। तो आने दीजिए, उन लोग सभी से मिलाते हैं आपको। तो क्यारा नहा के निकल चुकी है। क्यारा हाय करो। अभी कपड़ा पहने गई, ये स्टाइल मार रही है, स्टाइल मार रही है, स्टाइल मार दो तो क्यारा। तो अब हम लोग नहा के तैयार हो गए हैं। क्यारा भी यहाँ पे नहा ली है और सोफा पे बैठने का कोशिश कर रही है। तो आज हम लोग देवघर आए हुए हैं क्योंकि हम लोग को पूजा करना था देवघर में। बहुत दिन से, मतलब क्यारा जब पेट में ही थी तो हम लोग सोचे थे 3 महीना की थी कि पूजा करने आए थे, लेकिन कर नहीं पाए। पता नहीं था कि नहीं होता है तभी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हम क्यारा और इसके पापा यहाँ पे पूजा करने आए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। 9 बज चुका है। पंडित जी लेट से बुलाए थे, मतलब 8:30 बजे बुलाए थे, लेकिन आधा घंटा हम लोग को लेट हो गया। तो अब हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। अब हम अब दिखाएंगे आपको मंदिर के अंदर का। मैं तो थक गई भैया, मैं तो फिर से थक गई। अभी हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। अभी हम लोग को टोटो वगैरह लेना होगा, और क्यारा भी मेरे साथ है और नेहा भी मेरे साथ है। क्या नहीं हो क्या? तो अभी हम लोग मंदिर जाएंगे पूजा करने के लिए, और वहाँ का भी कुछ शॉर्ट्स आपको दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहिएगा। हम लोग मंदिर पहुँचने वाले हैं, और ये मंदिर का गली है और इसमें सिर्फ चूड़ियों का ही दुकान है चारों तरफ। पेड़ा गली आ गई, पेड़ा गली इसको बोला जाता है, पेड़ा गली। और ये है देवघर झारखंड में। तो यही बाबा धाम है मंदिर, हम लोग पहुंच गए हैं, अंदर जाएंगे, अपने पंडित जी से मिलेंगे और पूजा करवाएंगे। बहुत दिन बाद आए हैं, जैसा कि नेहा बताई, क्या रहा थी तब से ही। हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं अभी, और ये मंदिर है पीछे पूरा, अभी दिखाएंगे आपको पूरा। और ढोल के आवाज में, ढोल के आवाज में क्यारा का हाथ थिरक रहा है ना, क्यारा। ज्यादा भीड़ है, चलिए। आ तो रहा आवाज, आवाज आ रहा है, हाँ पूरा आवाज आ रहा है। दो पिछुन जी, पिछुन जी, पिछुन दो बच्चे धागा है वो। अभी मंदिर में शिव पार्वती, शिव जी के मंदिर से, भोले बाबा के मंदिर से वो पार्वती जी के मंदिर तक बनाने वाला है, उनके हाथ में जो है।
ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग देवघर में पूजा कर लिया और बासुकीनाथ जा रहे हैं। गाइस अभी हम लोग बासुकीनाथ पहुंच गए हैं, देवघर से बासुकीनाथ। और यहाँ भी मंदिर है भगवान शिव का, भोले बाबा का। और क्यारा हम लोग का दोनों का हाथ पकड़ के चल रही है। इसको दोनों का हाथ पकड़ना होता है, एक आदमी के हाथ से इसको मन नहीं भरता है ना क्यारा। तो अभी हम लोग जाएंगे, अभी पूजा करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग देवघर जाएंगे। फिर देवघर से देखते हैं क्या डिसाइड होता है, फिर लक्की साहब जाएंगे। वो लाठी मिला है, पुलिस वाला लाठी, सलवार में मिला था, तार मिला है, प्रसाद, डॉल, खाने पीने, चाय, चाय चाय गरम चाय। तो ये एंट्रेंस है, अब हम लोग अंदर जाएंगे, पूजा करेंगे। ब्लॉग में बने रहिएगा। नेहा और क्यारा अंदर जाने के लिए रेडी है। गोदी आएगी, गोदी आएगी, चलो तब। Let me go, there's no doubt, gotta get out of this small town, you took my heart. क्या लोगी? हाँ? खिलौना लेगी। पूरा यहाँ पे अब हम लोग पूजा करके निकल चुके हैं बासुकीनाथ से। खाना पीना खा लिए हैं और अब कितना? अब क्यारा को कुछ कुछ लेना रहता है। कुछ भी देखेगी तो बोलेगी क्या दे, सुनेगी अभी दे, क्योंकि खिलौना है चारों तरफ, तो देख देख के बोलते रहती है दे। तो यहाँ पे पूरा प्रसाद बिक रहा है, पूजा करते करते शाम हो गया हम लोग को। चलो क्या रो? अब हम लोग यहाँ पे चप्पल छूट गया था, तो अभी चप्पल लेने के लिए आए हैं। खाना पीना खा के पूरा घूम घाम के, मेरा एक चप्पल नहीं मिला। क्यों? तो इनका चप्पल खो गया था लेकिन अब मिल गया। चलो क्या रहा? यहाँ पे अब हम लोग भुंजा खा रहे हैं ना। और यहाँ पे क्यारा नया गाड़ी ली थी जो कि गिरा के तोड़ चुकी है, मतलब इसको लगाने वाला होगा लेकिन अभी तो टूट चुका है पूरे तरह से। रोड पे खेल रही है और सबको स्माइल मार रही है। पापा पकड़ेंगे, चलो ठीक कर देंगे, नहीं टूटा है। चलिए खुल गया, चलो क्यारा को पकड़ लीजिए। अभी अब हम लोग अपने होटल जा रहे हैं रिक्शा पे बैठ के। देख सकते हैं ये रिक्शा, ये ई रिक्शा से भी ज्यादा ई रिक्शा है, क्योंकि ये मैन पावर से चलने वाला ई रिक्शा है। और अभी हम लोग होटल जाएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अब हम लोग को कहाँ निकलना है। 8 बजे की ट्रेन है हमारे रात की और अभी बज रहे हैं 6 बजने वाले हैं, और फिर हम लोग को यहाँ से निकल जाना है। We'll be right back.